नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अड्डा 24/7 यूपीएससी पर। दोस्तों मैं शुभम सरधालिया करंट इवेंट से लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो आपके लिए लेकर के आता हूं। और दोस्तों इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ में इस वीडियो लेक्चर में बात करूंगा न्यू डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। दोस्तों ये न्यूज आपने न्यूज़पेपर, मैगजीन या फिर सोशल मीडिया पे देख लिया होगा। तो दोस्तों हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के सीबीआई के नए डायरेक्टर जो है वो नियुक्त किए गए हैं। तो इनके बारे में समझते हैं, जानते हैं क्या है ये पूरा का पूरा आर्टिकल। तो दोस्तों क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड सुबोध कुमार जायसवाल एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। तो केंद्र सरकार ने श्री सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई के नए निर्देशक डायरेक्टर के रूप में जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किया है। तो दोस्तों इनके बारे में बात करते हैं। पहले बात करेंगे क्या है सीबीआई। दोस्तों सीबीआई आपने नाम सुना होगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये जो है ये देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, यानी कि जांच एजेंसी जिसको कहते हैं। ये जांच करती है विभिन्न मामलों की। आगे मैं आपको बताऊंगा किन किन मामलों की, किन किन मसलों की जांच जो है वो सीबीआई द्वारा की जाती है। तो सीबीआई जो है वो हिंदुस्तान की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो है। ये कैसे काम करती है, इट फंक्शंस अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये भारत सरकार के पर्सोनल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, जो कि डायरेक्टली पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के कंट्रोल में आता है, उसके अधीन जो है वो काम करती है। तो सीबीआई जो है इट इज नॉट अ स्टैचूटरी बॉडी। दोस्तों ये स्टैचूटरी बॉडी नहीं है। आप जानते होंगे कुछ बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, जो संविधान में जिनका उल्लेख है। कुछ बॉडीज स्टैचूटरी होती है, जिनके लिए कुछ एक्ट जो है, स्टैच्यूज जो है वो पास किए जाते हैं। वेयर एज कुछ बॉडीज नॉन स्टैचूटरी होती है, जिनके लिए कोई पर्टिकुलर एक्ट नहीं पास किया गया, बल्कि किसी दूसरे एक्ट से, दूसरे स्टैच्यू से वो पावर जो है वो डिराइव करती है। तो उसी तरीके से दोस्तों सीबीआई जो है वो नॉन स्टैचूटरी बॉडी है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। याद रखना है सीबीआई इज अ नॉन स्टैचूटरी बॉडी, और इसकी पावर्स कहां से आती है, डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से ये अपनी पावर्स जो है वो डिराइव करता है। ये 1946 का दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है वो सीबीआई को जो है वो पावर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। सीबीआई जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं डायरेक्टर। सीबीआई इज हेडेड बाय अ डायरेक्टर। तो सीबीआई की अध्यक्षता निदेशक डायरेक्टर द्वारा जो है वो की जाती है। डायरेक्टर ऑफ सीबीआई हैज बीन प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ 2 इयर्स टेन्यूर। तो भैया जी सिक्योरिटी, एक टेन्यूर की सिक्योरिटी, मिनिमम अवधि जो है वो सीबीआई के निर्देशक की जो है वो 2 वर्ष की होगी। ये उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर जो है वो प्रोवाइड किया गया है। ये कुछ बातें हैं सीबीआई के बारे में। यहां पर देख लेते हैं दोस्तों सीबीआई क्या क्या केसेस जो है वो हैंडल करती है। तो किन किन मसलों में, किन किन मामलों में सीबीआई जो है वो जांच एजेंसी के रूप में कार्य कर सकती है। सबसे पहले आती है एंटी करप्शन क्राइम्स। दोस्तों कोई भी ऐसा अपराध जहां पे रिश्वतखोरी, ब्राइब, घूस, करप्शन के चार्जेस हो, वहां पर जो है सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकती है। फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, करप्शन को रोकने के लिए अधिनियम जो है वो पास किया गया था, उसके अंडर जितनी भी बॉडीज, जितने भी ऑफिसेज आते हैं वहां सब में एंटी करप्शन एक्टिविटीज के लिए इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई द्वारा की जा सकती है। इसमें शामिल है केंद्र सरकार के एम्प्लॉई, पब्लिक सेक्टर और कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉइज ऑफ द बॉडीज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार की जितनी भी इकाइयां हैं, जितनी भी बॉडीज हैं, जितनी भी पीएसयूज हैं, उन सभी के एम्प्लॉइज जो है वो इसके अंतर्गत सीबीआई द्वारा जो है इन्वेस्टिगेट किए जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इकोनॉमिक क्राइम्स, इकोनॉमिक क्राइम्स, कोई भी जिस तरीके से बैंक फ्रॉड है, करेंसी नोट फ्रॉड है, साइबर क्राइम फ्रॉड्स है, फेक इंडियन करेंसी के संबंध में जो है अगर कोई क्राइम होता है। दोस्तों अगर आपने वो स्कैम 1992 सीरीज देखी होगी या हर्षद मेहता स्कैम के बारे में सुना होगा, तो वो भी एक वित्तीय अपराध था, इकोनॉमिक क्राइम था। तो इकोनॉमिक क्राइम में वहां पर भी सीबीआई ने जो है वो इन्वेस्टिगेशन करा था, हर्षद मेहता से पूछताछ करी थी। तो भैया एंटी करप्शन के क्राइम जहां पर रिश्वतखोरी इन्वॉल्व है, उसके अलावा इकोनॉमिक क्राइम जिसमें आता है दोस्तों फेक करेंसी नोट्स, साइबर क्राइम, बैंक फ्रॉड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वायलेशंस और लार्ज स्केल स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक्स एंटिक्स एंड कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंसेस। तो दोस्तों बड़े पैमाने पर आपने देखा होगा कहीं भी अगर नारकोटिक्स, नशीले पदार्थों की या फिर एंटीक, प्राचीन चीजों की या फिर कॉन्ट्राबैंड आइटम्स, यानी कि जिनको बैन किया गया है, उस तरीके की किसी भी गतिविधि को अगर अंजाम दिया जाता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई द्वारा की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों स्पेशल क्राइम्स फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीरियस
एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स अंडर इंडियन पीनल कोड, जिसमें शामिल है दोस्तों टेररिज्म, बॉम्ब ब्लास्ट, किडनैपिंग फॉर रैंसम, फिरौती मांगना, क्राइम कमिटेड बाय माफिया एंड द अंडरवर्ल्ड। दोस्तों जब हम इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारे क्राइम जो है जो कि किए जाते हैं, जिसमें शामिल है बॉम्ब ब्लास्ट, टेररिस्ट एक्टिविटीज, किडनैपिंग फॉर रैंसम, फिरौती जिसे कहा जाता है, माफिया, गुंडागर्दी, अंडरवर्ल्ड, ये सारे के सारे अपराध जो है इन सभी की इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों सुओ मोटो केसेस, यानी कि अपने आप सुओ मोटो बिना किसी के कहे सीबीआई किस किस मसले को किस किस रीजन में जो है इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है। तो भैया सुओ मोटो अपने आप से सीबीआई जो है वो केवल केंद्र शासित प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरीज के अंदर सीबीआई जो है वो सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशन अपने आप में इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर सकती है सिर्फ यूनियन टेरिटरीज को। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑथोराइज सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट क्राइम्स इन स्टेट बट ओनली विद द कंसेंट ऑफ कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों याद रखिएगा सीबीआई जो है वो यूनियन टेरिटरी में सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसको ऑर्डर दे सकती है कि सीबीआई तुम जाकर के एक्स वाई जी स्टेट में जाकर के इन्वेस्टिगेशन जो है वो करो, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन जो होगी वो कंसर्न्ड स्टेट की मर्जी के बिना नहीं हो सकती। यानी कि अगर इन्वेस्टिगेशन करानी है तो सीबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश देगा और साथ ही साथ कंसेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की लेगा कि भैया हम सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपकी स्टेट में करा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों दो चीजें होगी, यूनियन टेरिटरी में खुद से, स्टेट के अंदर अगर करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की के ऑर्डर पे स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी को लेके देंगे। इसके अलावा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या उच्च न्यायालय राज्यों के, स्टेट्स के हाई कोर्ट जो है, दे कैन ऑर्डर सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट क्राइम एनीवेयर इन द कंट्री विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को स्टेट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सीधा जाकर के सीबीआई को बोलेंगे सीबीआई जाओ और उस स्टेट में, उस इलाके में जाके इन्वेस्टिगेशन जो है वो करो। दोस्तों ये है कुछ ब्रॉड डिस्क्रिप्शन सीबीआई के बारे में। अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो श्री सुबोध कुमार जायसवाल जो है उन्हें हाल ही में सीबीआई के डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किया गया है। कौन है श्री जायसवाल? मिस्टर जायसवाल इज 1985 बैच इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर, तो 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर है महाराष्ट्र काडर के। He is currently the Director General of CISF, केंद्रीय उद्योगिक सुरक्षा बल, Central Industrial Security Force के Director General, DG जो है वो इस समय मिस्टर सुबोध कुमार जायसवाल है। दोस्तों फरवरी महीने में श्री ऋषि कुमार शुक्ला जो है वो रिटायर हुए थे और सीबीआई के डायरेक्टर की पोजीशन जो है वो खाली हुई थी। तो फरवरी महीने से सीबीआई के डायरेक्टर की पोजीशन जो है वो खाली थी और तब से लेके अभी तक सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर श्री प्रवीण सिन्हा, जो कि 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, वो बतौर एडिशनल डायरेक्टर जो है वो सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। यानी कि एडिशनल चार्ज जो है वो सीबीआई के डायरेक्टर का श्री प्रवीण सिन्हा को अभी तक दिया गया था, अब श्री सुबोध कुमार जायसवाल की नियुक्ति जो है वो बतौर सीबीआई निर्देशक वहां पर हो गई है। श्री ऋषि कुमार शुक्ला जो कि फरवरी में रिटायर हुए थे, तब से सीबीआई के डायरेक्टर की पोस्ट जो है वो खाली पड़ी हुई थी। ठीक है जी। दोस्तों सीबीआई क्या होता है, किसको अपॉइंट किया गया, अगर ये क्लियर हो गया तो बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर की। सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति कौन करता है? तो भैया केंद्र सरकार जो है वो सीबीआई के डायरेक्टर को नियुक्त करती है। द अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3-member कमेटी। याद रखिएगा 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी, जो सदस्य रिकमेंड करेंगे कि इस व्यक्ति को जो है वो सीबीआई का डायरेक्टर अपॉइंट किया जाए और केंद्र सरकार जो है वो उनको अपॉइंटमेंट उनका जो है वो कर देगी। ये 3 member कौन कौन है? सबसे पहले आते हैं देश के प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन। तो इस 3 सदस्यों वाली कमेटी की अध्यक्षता करते हैं देश के प्रधानमंत्री। साथ ही दूसरे मेंबर होते हैं द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो 2nd member होंगे, या फिर कोई अन्य जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिसको के चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट करेंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके द्वारा नॉमिनेट किया गया कोई और जज जो है वो इसका मेंबर होगा। और तीसरे इसके मेंबर होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में। लोकसभा के अंदर जो भी ऑपोजिशन का लीडर होगा वो तीसरा मेंबर इस पूरी की पूरी 3-member कमेटी का होगा। दोस्तों आप जानते हैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, चीफ जस्टिस जो है वो है जस्टिस एनवी रमने। तो जस्टिस एनवी रमाने जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर आप जानते हैं तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो इस समय सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी के जो हेड है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। तो कौन है? श्री अधीर रंजन चौधरी जो है
वो इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो लोकसभा के, तो श्री नरेंद्र मोदी, जस्टिस एनवी रमाने और श्री अधीर रंजन चौधरी, ये तीन लोगों ने मिलकर के सेलेक्ट किया श्री जायसवाल को सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में। दोस्तों अगर ये चीजें हमें क्लियर हुई तो पूरी की पूरी प्रक्रिया समझते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ इस सिचुएशन में, इस केस में 16 नाम जो है 16 नेम्स वर गिवन टू दी वर गिवन अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ सेलेक्ट कमेटी। तो सेलेक्ट कमेटी के पास 13 नाम जो है, 16 नाम जो है वो मौजूद थे, उन 16 में से उन्हें सिलेक्शन जो है वो करनी थी। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आई कि भैया जिनके नामों पे चर्चा जो है वो की जा रही है उसमें शामिल थे बीएसएफ के जो इस समय चीफ है, बीएसएफ के जो प्रेजेंट चीफ है श्री राकेश अस्थाना, जो कि 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। तो भैया श्री राकेश अस्थाना 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर जो कि इस समय बीएसएफ को हेड कर रहे हैं, उनका नाम सबसे पहले आया। और साथ ही साथ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के चीफ श्री वाई सी मोदी, जो कि अगेन 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर है, ये दोनों ही 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। एक श्री राकेश अस्थाना जो है वो बीएसएफ को हेड कर रहे हैं और श्री वाई सी मोदी जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है उसको, उसकी अध्यक्षता जो है वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये दोनों ही नाम जो है वो सामने आए थे। और दोस्तों ऐसा माना जा रहा था कि ये दोनों ही व्यक्ति जो है वो केंद्र सरकार के काफी ज्यादा करीबी जो है वो माने जाते हैं। यहां पे क्या हुआ दोस्तों, श्री राकेश अस्थाना जो है वो 31 अगस्त को, आप जानते हैं ऑलरेडी आज 27 मई है, जून जुलाई अगस्त, विद इन 3 मंथ्स जो है वो श्री राकेश अस्थाना जो है वो रिटायर हो रहे हैं। और कुछ ही दिनों में, चंद दिनों के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के चीफ श्री वाई सी मोदी जो है वो 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। यानी कि 4 महीने बाद राकेश अस्थाना जो है वो रिटायर हो रहे हैं और कुछ ही दिनों में वाई सी मोदी जो है वो रिटायर हो रहे हैं। अब भैया यहां पे इनकी रिटायरमेंट की बात मैंने क्यों करी दोस्तों, 2006 में सुप्रीम कोर्ट का एक केस था जिसका नाम था प्रकाश सिंह केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये रूलिंग दिया था सीबीआई के डायरेक्टर को लेकर के कि भैया कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसका टेन्योर 6 महीने से कम का होगा कैन नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ सीबीआई डायरेक्टर। ठीक है, तो उन इस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग प्रकाश सिंह केस में 2006 में जो आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को अगर बतौर सीबीआई के डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो उनका टेन्योर जो है वो कम से कम 6 महीने का जो है वो होना चाहिए। दोस्तों यहां पे देखिए, राकेश अस्थाना जी का मात्र 4 महीने का टेन्योर था और वाई सी मोदी जी का कुछ डेज का था, 27 तारीख है, 31 मई को जो है वो रिटायर होने वाले थे। हालांकि पहले जो है इन दोनों नाम पर चर्चा हो रही थी, लेकिन इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री रामाने, जस्टिस रामाने ने जो है वो ये केस को जो है वो लाइमलाइट में लाया। उन्होंने कहा कि भैया ये जो 2006 की रिकमेंडेशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, इसके हिसाब से इन दोनों ही व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि कम से कम जिस भी पोजीशन पर वो है उसका रिमेनिंग टेन्योर जो है वो कम से कम 6 महीने का जो है वो जरूर होना चाहिए। इस वजह से ये दोनों ही नाम जो है वो कंसीडर नहीं किए गए। दोस्तों समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से दो व्यक्तियों को नाम जो है वो नॉमिनेशन में चल रहे थे कि इनको अपॉइंट किया जा सकता है, मगर उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक पुरानी रूलिंग को ध्यान में रखते हुए चीफ जस्टिस ने जो है इन दोनों नामों को जो है वो रिजेक्ट कर दिया। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के अंदर शायद पूछा जा सकता है प्रकाश सिंह केस 2006, तो इसको याद रखिएगा। तो भैया जी उसके बाद क्या हुआ, जब ये दो नाम जो है वो रिजेक्ट हो गए, उसके बाद 3 नामों पर चर्चा जो है वो होने लगी, जिसमें शामिल थे फॉर्मर महाराष्ट्र डीजीपी, महाराष्ट्र के पूर्व डायरेक्टर जनरल, पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री सुबोध कुमार जायसवाल, डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल श्री के आर चंद्रा, और भारतीय गृह मंत्रालय के होम मिनिस्ट्री के विशेष सचिव स्पेशल सेक्रेटरी श्री वीएसके काउमोदी। तो भैया काउमोदी जी, श्री के आर चंद्रा जी और श्री सुबोध कुमार जायसवाल, ये 3 नाम जो है ये उसके बाद रिकमेंडेशन में आए। और इसमें से जो सबसे सीनियर थे फॉर्मर डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र श्री सुबोध कुमार जायसवाल, उनको जो है यहां पर बतौर सीबीआई के डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किया गया है। ये श्री सुबोध कुमार जायसवाल दोस्तों, ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जो है ये मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। इसमें हमने ये भी समझा कि सीबीआई क्या काम करता है, सीबीआई किस तरीके की, क्या वो स्टैचुटरी है, क्या वो नॉन स्टैचुटरी है, सीबीआई की पावर्स उसको कहां से मिलती है, सीबीआई किन केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, साथ ही साथ किस तरीके से पूरी की पूरी नियुक्ति जो है वो सीबीआई के डायरेक्टर की जो है वो की जाएगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।